रुक करते हैं प्रदेश की ओर। जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी बाजार में लगे विभिन्न एटीएम में जाकर लोगों की मदद करना एक युवक को भारी पड़ गया है। ये युवक घुमारवी बाजार में लगे एटीएम से जाकर लोगों की सहायता कर रहा था, जिससे लोगों को इस युवक के ऊपर शक हो गया, जिससे लोगों ने तुरंत इसकी शिकायत थाना घुमारवी को दी। मौके पर थाना प्रभारी राकेश रॉय के द्वारा पुलिस कर्मियों को भेजकर बाजार से शक के आधार पर थाना लाया गया, जिसके बाद में युवक ने एटीएम के माध्यम से पहले भी कई लोगों के पैसे निकाले हैं। ये उसने गुनाह अपना कबूल किया है। जिला बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी बाजार में लगे विभिन्न एटीएम में जाकर लोगों की मदद करना एक युवक को भारी पड़ गया। ये युवक घुमारवी बाजार में लगे एटीएम में जाकर लोगों की सहायता कर रहा था, जिससे लोगों को इस युवक के ऊपर शक हो गया, जिसे लोगों ने तुरंत इसकी शिकायत थाना घुमारवी को दी। मौके पर थाना प्रभारी राकेश राय के द्वारा पुलिस कर्मियों को भेजकर बाजार से शक के आधार पर उसे थाना लाया गया, जिसके बाद में युवक ने एटीएम के माध्यम से पहले भी कई लोगों के पैसों का गबन मान लिया है। घुमारवी थाना में कुछ ही दिन पहले राहुल पुडीर पुत्र बालक राम गांव मरेड डाकर घड़बी तहसील जंडुता ने शिकायत दी थी कि उसके एटीएम से 35,000 रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को बुलाकर युवक की पहचान करवा दी है, जिससे इस युवक ने बहुत से लोगों को मदद के बहाने एटीएम से पैसे निकालने के बाद कबूल कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक की पहचान निखिल पुत्र विजेतर सिंह उम्र 28 गांव मक्कड़ तहसील जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। युवक ने बीएससी नॉन मेडिकल में की है तथा इसके पहले 6 एटीएम कार्ड विभिन्न बैंकों के मिले हैं। युवक ने इन एटीएम से लगभग 1,00,000 रुपए का गबन कर दिया है। थाना प्रभारी राकेश राय ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि एक युवक को पकड़ा गया है, जिसने एटीएम में से पैसे निकालने की बात कबूल कर ली है, जिसकी गहन से पूछताछ की जा रही है। आज थाना घुमारवी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अनजान व्यक्ति जो कि घुमारवी में लगे विभिन्न एटीएम में जाकर के लोगों की मदद करने के बहाने से वहां उनका एटीएम एक्सचेंज करके और अवैध रूप से ट्रांजेक्शन कर रहा था, जिस संदर्भ में मुख्य आरक्षी केवल व आरक्षी प्रवीण कुमार को छानबीन हेतु रवाना किया गया था। इस दौरान सीसीटीवी बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान हुई तथा आरोपी की पहचान के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शिकायतकर्ता द्वारा भी किया जा चुका है। आरोपी को हिरासत में लिया गया है तो कल कोर्ट में पेश करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।